हेलो बच्चों, ये जे मेन 2023 का क्वेश्चन है, 25th जैन शिफ्ट 2 का। यहाँ पर टेबल मैच करना हम लोगों को, है ना, कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इसमें से कौन सा इसमें से करेक्ट होगा लिस्ट टू में से, एंड एडियाबेटिक के लिए क्या होगा, आइसोकोरिक के लिए क्या होगा, है ना, आइसोबारिक के लिए क्या होगा, ये देखना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं लाइन बाई लाइन से पूरा। तो आइसोथर्मल की बात करें हम लोग, देखिए तो आइसोथर्मल का मतलब होता है, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना, ठीक है। और टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर का जीरो होना। एंड इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि एनसीवी डेल्टा टी होता है ना। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो। तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बॉडी को जो भी हम हीट सप्लाई देंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल केस में क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब जो भी आप हीट दोगे वो सब के सब कहाँ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आप यहाँ पे देंगे वो सब के सब वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि वर्क डन बाई द गैस, है ना, वर्क डन बाई द गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी। नहीं, ये नहीं होगा, है ना, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यस, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ए के लिए टू से मैच करना पड़ेगा, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू जीरो, ठीक है। इसके बाद कौन सा प्रोसेस है, तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि ए सेकेंड के साथ मैच करेगा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पर हीट सप्लाई जीरो होना, है ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा कि डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है ना वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि अब डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, है ना। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे देखते हैं एक बार, कि नो वर्क इज डन, ये गलत है। वर्क डन बाई द गैस डिक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर वर्क डन बाई द गैस होगा तो फिजिक्स में वर्क डन बाई द गैस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। फिजिक्स में वर्क डन बाई द गैस का मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी देखोगे तो वर्क डन तुमने बोला कि पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव, बट ये माइनस साइन यहाँ पे जो आया है, ये वाला माइनस, ये इसकी वजह से आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क डन बाय द गैस डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है इसका तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वर्क डन द पॉजिटिव ही हुआ, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट वर्क डन पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव साइन तो था ना वहां पर पहले से, तो वो डिक्रीजेस हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर बी फर्स्ट से मैच करेगा। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होना, है ना। आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम का कांस्टेंट होना, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होना, वॉल्यूम कांस्टेंट होना। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है इसका मतलब वर्क डन प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, तो वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो। और अगर वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। तो आप देखते हैं, अब दो ही बच गए ना, थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ वाला में नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस, ठीक है, नो वर्क इज डन ऑन द गैस ऑन और बाय द गैस, इसका मतलब सी का फोर्थ के साथ मैच करेगा। आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कॉन्स्टेंट होना, है ना, सेम। आइसो मतलब सेम होता है ना, और बार मतलब प्रेशर। तो आइसोबारिक अगर हम लोग लिखें तो आइसोबारिक प्रोसेस, दैट मीन्स कि प्रेशर कांस्टेंट होना, है ना। तो इसमें वर्क डन जीरो होगा नहीं, है ना, वर्क डन जीरो नहीं होगा, हीट भी जीरो नहीं होगा और इंटरनल एनर्जी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब कि जो भी हम हीट सप्लाई देंगे वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पार्शली मतलब कुछ वर्क डन होगा कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। तो यहां पर जो डी नंबर है वो उसके साथ थर्ड मैच करेगा, ठीक है। तो ए का 2, बी का 1
सी का फोर है ना, सी का फोर और डी का थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर।